डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज 6.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन को किया था। चलिए उसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसे हमें कैसे सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, जब इसके बारे में सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा। प्रूव दैट द कर्व्स, कर्व्स दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ एट के स्क्वायर का वैल्यू 1। देखिए बोल रहा ना कि दो गो इस बार कर्व है, कितने कर्व है भाई, दो कर्व है। एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। कितना एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो वो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स बराबर वाई स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू दिया है एक्स बराबर वाई स्क्वायर। एक दूसरा पॉइंट है वो भी कट कर रहा है। जैसे मान लिया एक दूसरा कर्व है और ये कर्व ऐसे कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है, और ये जो कट कर रहा है ये इक्वेशन इसका दिया है एक्स वाई बराबर में के। ठीक है, तो सवाल बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों का जो टेंजेंट है इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट, देख पा रहे होंगे, हमें क्या प्रूफ करना है, ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, यही हमें प्रूफ करना है। ये दोनों टेंजेंट यानी कि काला वाला जो सर्किल है, कर्व है, इस पर जो टेंजेंट आएगा और ब्लू वाले पे जो टेंजेंट आएगा, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कब, जब 8k स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया हुआ है तब। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिखिएगा वी हैव टू प्रूव दैट टेंजेंट, इसको 1 बोलते हैं, इसको टेंजेंट 1 बोल रहे हैं, टेंजेंट फर्स्ट, और इसको बोल रहे हैं टेंजेंट सेकेंड। क्या हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट टेंजेंट 1 जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट 2 पे। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है भाई। अगर दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर तभी ना होगा जब दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो अगर परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 और m2 करने के बाद -1 आना चाहिए। तो ध्यान रहे हमें क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कब प्रूफ हो पाएगा, जब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आना चाहिए, -1। फिलहाल हमें ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, अभी तक तो क्लियर है। अब आप एक बात बताइए कि चूंकि x का वैल्यू कितना दिया है, y स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड एक दूसरा कर्व का इक्वेशन दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू के, यहां से x का वैल्यू निकालिएगा तो k बटा में y हो जाएगा, गुना में है तो भागा में, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकेंड को देखिए तो LHS तरफ इक्वल है, तो जब LHS तरफ इक्वल है तो RHS तरफ भी इक्वल होगा, यानी कि k by y is equal to y square। ठीक है, तो
तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें पता चल गया, क्या पता चल गया जरा देख लीजिए, हमें ये पता चल गया कि k बटा y इज इक्वल टू y स्क्वायर, इसलिए k का मान क्या होगा, तो नीचे वाला y है ना ऊपर जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y के पावर कितना बनेगा 3। और हम लोग जानते हैं ना कि अगर पावर 3 है, यहां से पावर 3 को हटेगा तो इसके पावर में 1/3 आ जाता है, तो इसलिए y का वैल्यू दोस्तों कितना बन गया, k के पावर 1/3, ये हमें y का वैल्यू बन गया। जब k के पावर 1/3 y का वैल्यू है, इसलिए y का तो वैल्यू पता चल गया, इसलिए चूंकि x का वैल्यू क्या है, तो y का स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू आया k के पावर 1/3, और पावर 2 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2/3। यानी कि हमें y का वैल्यू k के पावर 1/3 हो गया, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया k के पावर 2/3। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पॉइंट हमें पता चल रहा है x बराबर k के पावर 2/3 और y का वैल्यू आया k के पावर 1/3। तो हमें यहां वाला पॉइंट पता चल गया, कितना पॉइंट, तो एक आ रहा है x में k के पावर 2/3 और y में आ रहा है, देख पा रहे होंगे y में आ रहा है कितना k के पावर 1/3। ये हमें x और y का वैल्यू पता चल गया। अब जरा हम लोग चलते हैं टेंजेंट 1 के लिए स्लोप का मान निकालते हैं, मतलब m1 का मान, और टेंजेंट 2 के लिए m2 का मान निकालते हैं दोस्तों। तो टेंजेंट 1 के लिए x बराबर y स्क्वायर इक्वेशन है, इस इक्वेशन से चलते चलते अब आपको क्या निकालना है, स्लोप। तो अब लिखिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, स्लोप ऑफ, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, टेंजेंट 1 का अगर स्लोप हमें निकालना होगा तो फार्मूला क्या है इसके लिए, dy/dx। तो dy/dx कैसे निकलेगा, तो टेंजेंट 1 के लिए यही ना है इक्वेशन, तो चूंकि x बराबर y स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा डिफरेंशिएशन 1, और यहां डिफरेंशिएशन कितना आएगा तो 2y(dy/dx)। इसलिए बोल सकते हैं कि dy/dx का वैल्यू जो होगा 1/2y होगा, या बोल सकते हैं 1/2 y का वैल्यू कितना आया k के पावर 1/3। तो हम ये पता चल गया कि m1 का वैल्यू कितना है 1/2 k के पावर 1/3 है, तो ये m1 का वैल्यू आ गया। अब वैसे ही इसलिए आप लिख दीजिएगा, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy/dx m1 का वैल्यू आ गया 1/2 k के पावर 1/3। ठीक है, अब चलिए जैसे कि हम m1 निकाले हैं, अब टेंजेंट 2 के लिए भी आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किससे चलने वाले, जरा देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, तो टेंजेंट 2 का स्लोप कैसे निकलेगा, तो इसमें भी हमको dy/dx का जरूरत है, लेकिन टेंजेंट 2 का स्लोप निकालने के लिए दूसरे वाले कर्व का इक्वेशन से चलना पड़ेगा। ये क्या है, चूंकि xy का वैल्यू k है, तो अगर यहां पे आप कराइएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ अगर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे आप देख पा रहे होंगे x को बाहर करेंगे फिर dy/dx प्लस y को बाहर करेंगे dx/dx। ठीक है, और k का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे x इंटू dy/dx y और इंटू में कितना dx/dx का वैल्यू 1, तो इसलिए यहां से dy/dx का जो वैल्यू होगा
वो कितना होगा, तो ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस वाई बटा में एक्स। तो कुल मिलाकर ये इसके लिए कितना आ रहा है, माइनस वाई बटा में एक्स, और माइनस वाई का वैल्यू कितना है के पावर 1/3, और एक्स के निर्देशांक में कितना है के पावर 2/3। तो जब हम लोग जानते हैं ना कि बेस अगर सेम रहता है, पावर अलग अलग रहता है और डिवाइड में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ m2 का वैल्यू लिखिएगा, इसलिए m2 का वैल्यू माइनस का तो माइनस रहने वाला है, के पावर 1/3 में से 2/3 घटाएंगे तो माइनस 1/3 आ गया, यानी m2 का जो वैल्यू आया दोस्तों कितना आया माइनस के माइनस 1/3, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना था, सिंस या फिर लिखेगा अगेन, अब क्या हम लोग करेंगे m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर m1 m2 का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस वन आ जाता है दोस्तों, तो फिर हमको पता चल जाएगा कि टेंजेंट वन जो है टेंजेंट टू के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। चलिए m1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, m1 का वैल्यू है 1/2 के पावर 1/3 इंटू m2 का वैल्यू कितना है तो माइनस के पावर माइनस 1/3। ठीक है, अब जरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस 1/2 के पावर 1/3 इंटू, ये माइनस में 1/3 है, जब ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/3, लिख सकते हैं ना ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2 का तो 2 छोड़ दिया भाई, जब ये दोनों का बेस सेम है पावर को ऐड कर देते हैं तो के पावर कितना हो गया 2/3, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस छोड़े हुए हैं, ये अगर के पावर माइनस 1/3 है, इसको प्लस बनाना था, इसको नीचे लेकर आ गए, 2 का 2 छोड़ दिए हैं, के पावर 1/3 और 1/3 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 2/3। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों। जैसे कि हम आप जानते हैं कि क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, घनमूल होता है 2, वैसे ही अगर हम बात करें तो 27 का जो क्यूब रूट मिलेगा वो हो जाता है 3, पता है ना, घनमूल जिसको बोलते हैं। वैसे ही अगर हम पूछें कि 64 का घनमूल कितना होगा, आप बोलेंगे 4, तो क्या 4 के जगह पे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जैसे 8 का घनमूल होता है 2, तो इस 2 के जगह पे हम 8 का घनमूल भी लगा सकते हैं। अब रावत जी सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों, माइनस 1/2 इस 2 के जगह पे आप क्यूब रूट 8 रख दीजिए, 8 का घनमूल इंटू के पावर 2/3। अब दोस्तों माइनस 1/2 इस 8 के पावर में भी तो 1/3 लिख सकते हैं, जरा अच्छे से देखिए, 8 के पावर 1/3 लिख सकते हैं इंटू के पावर 2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब कभी भी रूट के अंदर अगर ऐसा रहता है पी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी के पावर 1/3 लिखा जा सकता है, ये रूल पे है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना इसके लिए। तो आगे हम लोग अगर काम करें तो कैसे मिलने वाला है जरा देखिए। एक चीज और, हम लोग ये मैथमेटिक्स में सीखे हुए हैं, 8 के पावर 1/3 तो ठीक है भाई, इंटू इस के पावर 2/3 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर के पावर 1/3, क्यों, क्योंकि जब पावर का पावर का पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये पावर में तोड़ दिया हम लोगों ने, 2 और 1/3 के पावर में तोड़ेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा। अब आप ये भी सीखे हैं कि जब बेस अलग अलग रहे लेकिन पावर सेम रहे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस को एक तरफ से गुणा कर लीजिए और तब जाकर पावर में लिख दीजिए।
अब लिखिएगा चूंकि 8k² का वैल्यू दिया है 1, ये कहाँ है, सवाल में गिवन है, इसीलिए दोस्तों हम लोग ऐसा घनमूल में तोड़ रहे थे, ठीक है। तो 8k² का वैल्यू 1 दिया है, -1/1k^1/3। हम लोग जानते हैं 1 का पावर कुछ भी हो हमें लेना देना नहीं होता है, तो -1 आ गया ना। सो टेंजेंट 1 जो हुआ वो परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंट 2 के, दैट इज प्रूव्ड, ये चीजें प्रूव हो गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें यही बोल रहा था क्वेश्चन कि आप प्रूफ करो कि टेंजेंट 1 जो है टेंजेंट 2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। तो कुछ इस तरीके से हमें प्रूफ करना होगा। तो हम लोगों को -1 आ गया, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर तभी होता है जब दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, -1, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 क्या है क्वेश्चन जरा देखते हैं। 24 में क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। आप देखिए 24 जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल 22 के जैसा है। आपको हम हिंट्स कर देते हैं, सवाल ध्यान से समझिए। 22 में एक कर्व दिया है, 22 में एक कर्व दिया है, भले वहां पाराबोला लिखा है, तो हम बताए होंगे कि पाराबोला बोले चाहे कुछ भी बोले वो एक कर्व होता है, ठीक है। तो 22 में एक कर्व दिया था y² = 4ax, ठीक है, y² = 4ax। उसी तरीके से दोस्तों 24 नंबर में एक हाइपरबोला बोला है, क्या बोला है वो, हाइपरबोला। और आपको पता होना चाहिए हाइपरबोला भी एक क्या है, कर्व है, और कर्व का इक्वेशन यहाँ पे दिया है x² / a² + y² / b² = 1। अच्छा वहां पे दोस्तों पॉइंट दिया था, पॉइंट क्या दिया था वहां पे, तो 80² 280। और यहां पे जो पॉइंट दिया है जरा ध्यान से देखिएगा, x0 y0, ठीक है, ये चीजें दिया हुआ है। तो अब 22 नंबर क्वेश्चन में दो चीज दिया था, कर्व दिया था, पॉइंट दिया था, तो आपको जो है इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा था, किसका किसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालने के लिए बोला जा रहा था, जो हम निकाल कर दिखाए थे, और एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बोला जा रहा था। तो ये आप पे हम छोड़ दिए थे। उसी तरीके से दोस्तों सेम चीज इसमें भी बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। समझ रहे हैं चीजों को क्या बोला जा रहा है। दोस्तों यहां पे जो सवाल है वो आप समझने लायक क्वेश्चन है। एक तरफ 22 नंबर का सवाल हम लिखें, एक तरफ 24 नंबर का क्वेश्चन लिखें। अब इस 22 नंबर और 24 नंबर में कोई अंतर ही नहीं है, बशर्ते कर्व यहां दिया था y² 4ax, यहां कर्व दिया है x² / a² + y² / b² = 1। यहां पे पॉइंट था 80² 280, यहां पे पॉइंट एक्स नोट है और वाई नोट है, यहां पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, यहां पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी कि दो आंसर इसका भी निकालना है। मेरे हिसाब से इन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर ही नहीं है, सिर्फ अंतर है उसका वैल्यू का, यानी कि आप इसको डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, कहां पे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, आपको इसको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा इससे। और हम लोग सीखे हुए हैं कि जब समीकरण रहता है तो दोनों तरफ dy/dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं और वो अपने आप आ जाता है dy/dx का वैल्यू। तो यहां से आप dy/dx निकालिएगा, फिर आप देखिएगा कि 80 का स्क्वायर 280 का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर रहे थे।
सेम उसी तरीके से आपको भी यहाँ एक्स नोट और वाई नोट का इस्तेमाल करना है। यानी कि ये क्वेश्चन हम सिर्फ यहाँ पे हिंट्स कर दिए हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 22 बनाए हैं आप, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 24 भी बनेगा, लेकिन अच्छे से कैलकुलेशन कीजिएगा, अच्छे से डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, अच्छे से चीजों को पुट कीजिएगा। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप जरूर ट्राई करेंगे। हाँ, दूसरी बात, अगर आपने ट्राई किया नहीं आता है आंसर या आपसे नहीं बन पाता है, फिर हम आपको बताएंगे और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 24 तक के हो गया, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 नंबर जरा देखते हैं। 25 बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या करना है भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। y बराबर दिया हुआ है विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए 25 नंबर में क्या क्या बोल रहे हैं, तो कर्व दिया हुआ है 25 नंबर में, कर्व दिया हुआ है 25 नंबर में। कर्व क्या दिया है, तो y इज इक्वल टू रूट अंडर, y इज इक्वल टू रूट अंडर 3x माइनस 2। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है और वो पैरेलल है, यानी हमें क्या निकालना है भाई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। कब, जब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है कितना 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। वेन, कब, जब टेंजेंट जो है पैरेलल है एक लाइन का। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे क्या बोल रहा है, एक कर्व दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है और वह लाइन किससे पैरेलल है, टेंजेंट के पैरेलल है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका बनेगा 15 नंबर का ए नंबर सवाल पे, क्योंकि यहां पे भी ए नंबर में बोला हुआ है पैरेलल। ठीक है, तो 15 का ए वाला जैसे सवाल बनाए थे आप, वैसे ही आप 25 नंबर भी सॉल्व करेंगे। जरा दिखाते हैं कि दोनों में क्या क्या सेम चीज है। 15 का ए में आपको कर्व दिया हुआ था, कर्व का वैल्यू दिया था क्या, लिख देते हैं y बराबर एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 7। इसका आप यूज किए होंगे, आप देखिएगा कॉपी पलट के, तो ये कर्व दिया हुआ था। ठीक है, और फिगर उगर भी वैसे ही बनेगा। इसमें भी बोल रहा था पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। ठीक है, और पहला सवाल में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, और उसमें भी पहला सवाल में बोल रहा था पैरेलल, जबकि दूसरा सवाल में बोल रहा था परपेंडिकुलर। व्हेन टेंजेंट जो है वो पैरेलल है लाइन के, तो याद है ना दोस्तों, वहां पे हम लोग लाइन को क्या माने थे, वहां पे लाइन को हम लोग एबी माने थे, लाइन एबी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पे भी सभी चीज वही है, एक कर्व ये था आपको, वहां ये था, तो आप वहां उसको ये डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब आपके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। हालांकि सब चीज आपको सिखा दिए हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, वहां भी पहला सवाल में टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं, वहां इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ था, यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, वहां ये चीज दिया हुआ था, वहां पे भी बोल रहा था कि टेंजेंट जो है एबी, वहां पे अपने से फिगर बनाए थे एबी लाइन के पैरेलल है, आप यहाँ पे भी एबी करके बनाइएगा, एबी एक लाइन खींचिएगा। तो आप देख पा रहे हो कि 25 का जो क्वेश्चन है वो 15 के ए के जैसा है,
हम B के जैसा नहीं बोल रहे क्योंकि B में बोल रहा है परपेंडिकुलर, जबकि हमको पैरेलल का सवाल है, इसलिए ये बनेगा 15 से A के जैसा। ठीक है, तो आप चीजों को समझ पा रहे हैं ना, यानी कि 15 का A अगर आपसे बना हुआ है तो फिर 25 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसको भी आप खुद से ही ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से 25 भी हम लोगों का क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको आप ट्राई किए और फिर भी नहीं बना तो आप जरूर हमसे पूछ लेंगे, हम जरूर बताएंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ट्राई जरूर करना है भाई। सब चीज वही है, सब चीज वही है, ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यू बदला हुआ है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन वहां कुछ और का करना था, यहां कुछ और का करना है, लेकिन करना तो है ही, और हम लोग डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, तो आप कीजिएगा, करने के बाद ही आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या बोल रहे हैं, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, एक कर्व है दोस्तों, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इतना एड इतना इतना दोस्तों, ये जो 26 नंबर जो क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या क्या दिया है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, यहां कर्व दिया हुआ है, क्या कर्व दिया है जरा देखिए, कर्व यहां दिया है y बराबर 2x² + 3, ठीक है, और 2x² + 3 sin x ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें बोल रहा है एट x बराबर 0, ठीक है, देखिएगा, और फिर क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 26 नंबर क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। दोस्तों जरा हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, तो आप बढ़िए कहां पे, तो बढ़ा जाए हम लोगों का, चलिए आपको हम हिंट्स के तौर पे दे ही देते हैं, इसमें उस तरह का सवाल नहीं है, तो चलिए हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, y से का जो वैल्यू दिया है, y का वैल्यू से आपको निकालना है dy/dx, ठीक है, निकाल लेंगे ना, ये इसका डिफरेंशिएशन करके जो आएगा dy/dx, ठीक है। अब जब dy/dx निकाल लेंगे तब आप लिखिएगा देन स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, -1/dy/dx, ठीक है, तो यहां हो जाएगा -1/, और dy/dx का जो मान आएगा वहां पर रख दीजिएगा, समझ पा रहे होंगे, और एट कितना पे बोल रहे हैं, 0 पे, तो यहां पे जहां जहां x होगा वहां पे 0 बैठाकर और आंसर ला देंगे, समझ पा रहे चीजों को कैसे बोले, क्योंकि यहां पे कर्व दिया हुआ है तो कर्व का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, dy/dx निकालिए, जो चीज आएगा उसको छोड़ देना है। अब आप देखिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, -1/dy/dx, ठीक है, तो -1/dy/dx, तो इस dy/dx के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देना है, और ये वाला वैल्यू पुट कर देने के बाद जो हम लोगों को यहां आएगा एट एक्स बराबर 0 पे, उसका एक्स का वैल्यू जहां है वहां पे 0 रख के, और फिर हम लोग आंसर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हो जरा उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द लाइन टेंजेंट टू द कर्व y square = 4x
द लाइन इतना इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यूज जो करेंगे, जरा हम आपको हिंट्स के तौर पे बता देते हैं। सबसे पहले 27 नंबर में क्या बोल रहा है, एक कर्व दिया हुआ है दोस्तों। कर्व क्या दिया है 27 नंबर क्वेश्चन में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फिर क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का क्या दिया है, तो y बराबर x प्लस 1। और फिर हमें बोल रहा है कि आपको पॉइंट जो है निकालना है, ऑप्शन में चुनना है कि कौन सा पॉइंट होगा। ये तो आपको 27 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पीछे जो हम लोग पढ़े हुए हैं 9 पे, वहां पे भी दोस्तों हम लोगों का कर्व दिया हुआ था। क्या कर्व दिया हुआ था, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5, ये दिया हुआ था, ठीक है। और वहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कितना दिया था भाई, तो y बराबर x माइनस 11, ठीक है। तो वहां पे भी हम लोग पॉइंट निकाले हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा। आप जैसे जैसे 9 को सॉल्व किए हैं आप पीछे देख लीजिएगा, सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को भी अप्लाई करेंगे। हालांकि दोस्तों वहां पे dy by dx निकालना आसान था क्योंकि y का वैल्यू दिया था तो dy by dx फटाफट निकाल लिए थे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। यहाँ dy by dx निकालने के लिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 4x है, तो इसका आप डिफरेंसिएशन निकालिएगा, दोनों को x के रिस्पेक्ट डिफरेंसिएशन कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक इससे चलते चलते dy by dx आ जाएगा। तो जो डिफरेंसिएशन यहाँ पे करते थे आपको यहाँ पे ये करना है, टेंजेंट लाइन का वहां ये दिया हुआ था यहाँ, और दोनों में पॉइंट निकालना है। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत तरह का डिफरेंसिएशन सीखा है और उसी के वजह से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये पूरा 6.3 एक्सरसाइज ध्यान से सुनिएगा, पूरा हम लोगों का ये जो 6.3 एक्सरसाइज है वो पूरा ऑलरेडी डन हो गया। अब मात्र और मात्र 2 एक्सरसाइज बच रहा है, लगभग 1 सप्ताह का टाइम उसमें भी लगेगा और फिर खत्म हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग इस चैप्टर को वही 10-12 से 15 दिन या लगभग 16 दिन में खत्म कर चुके हैं, क्योंकि और मान के चलिए तो लगभग मतलब टोटल, और अभी और कम से कम आधा दिन तो बीत ही गया होगा, और लगभग 6-7 दिन लगेगा पूरा 6.5 खत्म होगा। यानी कि हम लोग आज 6.3 के पूरे क्वेश्चंस को कर लिए हैं, तो टाइम तो ऐसे है, लेकिन अगले नए टॉपिक्स को सीखने के लिए अगले क्लास में ही सीखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आधा इसमें कुछ ये चीज है और फिर कुछ नई चीज है, तो फिर थोड़ा मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, और अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर के साथ हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। हम लोग अगले दिन क्या पढ़ेंगे बता देते हैं, अप्रोक्सीमेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत इंटरेस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को एंड करते हैं, अगले दिन हम लोग अप्रोक्सीमेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का मतलब वही कि मतलब अगला टॉपिक्स, ठीक है। चैप्टर तो अभी बदलने वाला है, हम लोग का 6 भी अभी चल रहा है। तो आप जो जो क्वेश्चंस को हम छोड़े हुए आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आज हम मात्र और मात्र 1-2 ही क्वेश्चंस को बता पाए हैं,
क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है ना पीछे वाले क्वेश्चन थे, तो आपको भी ट्राई करना जरूरी है क्योंकि हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। धन्यवाद।